साइंस का 10th साइंस का है, छोटा तो टेस्ट लेके आए हैं आपके सामने, ठीक है। इसे सॉल्व जरूर कर लेना, कुछ न कुछ फंसेगा जरूर, 100% कुछ न कुछ जरूर आएगा इससे। इसका पहला है फिजिक्स का, हमने बोला इसमें आपको कुल धारा निकालनी है, टोटल, ठीक है, धारा निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ए और बी के बीच में जो है टोटल रेसिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। फिर इसमें 1.5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, आई बराबर बी अपान आर से हम इसको निकाल लेंगे सॉल्व, ठीक। ये लोगों में पूछता है, ध्यान रखना, ज्यादा नंबर में आएगा जी। फिर है भर्जन से आप क्या समझते हैं, केमिस्ट्री का है भर्जन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमें इसको सोल्व करना, रिएक्शन है, ठीक, फिल करना है और प्लस इसको बैलेंस भी करना है। फिर है निष्ठापन से आप क्या समझते हैं, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन। अच्छा, इन दोनों को बहुत क्लियर तरीके देखिए आप, है तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में न्यूरोन बोलते हैं और वृक्काणु को अंग्रेजी में नेफ्रॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन करके बोल सकता है या नेफ्रॉन करके बोल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं और वृक्काणु को अंग्रेजी में नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप जितने टेस्ट पेपर बैक हैं, जितने भी 2022 के या 23 के या 21 के देख लेना आप, जरूर कोई ना कोई आपको मिलेगा, ठीक, न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। फिर हार्मोन्स क्या है, ठीक, और धमनी और सिरा में अंतर, धमनी और सिरा में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से देखना, ये नेफ्रॉन न्यूरॉन वाला तो सही बता रहे हैं, जरूर ही आएगा कोई ना कोई, एक क्लियर तैयार कर लेना, ठीक। बन चल तो कि ऐसे